Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज का हमारा टॉपिक है स्क्राइबर्स, ठीक है, जो कि फिटर ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अदर ट्रेड्स में भी, जो बच्चों आप लोगों के बार बार क्वेरी जा रहे हैं कि मैकेनिकल डीजर या मोटर व्हीकल के लिए या आरएसी के लिए या डिफरेंट ट्रेड्स के लिए भी वीडियो अपलोड करो, तो बच्चों ये जो मेजरिंग और मार्किंग टूल है ना, ये सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो फिटिंग शॉप में जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, बट जो अदर ट्रेड्स हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स हो गए या डीजल हो गए या हीट इंजन्स हो गए, आरएसी हो गए, उसके लिए भी ये जो मेजरिंग और मार्किंग टूल है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखो और ये टॉपिक क्लियर करो। जो ट्रेड स्पेसिफिक जो टॉपिक्स होंगे उनको हम बाद में कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्राइबर्स। देखो बच्चों, स्क्राइबर तो सभी ने यूज कर रखा है। देखो यहाँ पे ये लाइन मार्क कर रहे हैं, ठीक है, इसको इस वर्क पीस पे सीधी लाइन खींचनी है तो ये स्टील रूल की हेल्प से यहाँ पे मार्किंग कर रहा है। इसको एक जो है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के अलोंग एक लाइन खींचनी है तो ये यहाँ से मार्किंग कर रहा है, ठीक है। तो ये स्क्राइबर सभी ने यूज कर रखा है। अच्छा, आप लोग तो क्या करते हो वर्कशॉप में, जब जैसे ही सर ने बोला कि इस वर्क पीस पे मार्किंग करो, मेटल का वर्क पीस है, तो आप लोग स्क्राइबर से उससे मार्किंग कर देते हो। स्क्राइबर की स्टोरी वहीं पे ख़त्म। अब स्क्राइबर है क्या, किस मटेरियल से बना होता है, उसका परफेक्ट हम उसे यूज कैसे करते हैं और उस पर बेस्ड किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनको हम आज डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये सभी, आप इससे बहुत फ्रेंडली हो, यूजर फ्रेंडली हो, तो बहुत आराम से ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो साथ के साथ चलते रहिए। बस देखो, पहले क्वेश्चन अराइज क्या होता है कि वाई वी नीड स्क्राइबर। स्क्राइबर इज अ हैंड टूल। सबसे पहली बात, ये हैंड टूल है और मार्किंग टूल है, यूज्ड इन मेटल वर्किंग। मेटल वर्किंग में इसका यूज करते हैं, किसके लिए, टू मार्क लाइंस, ठीक है, ऑन अ वर्क पीस प्रायर टू मशीनिंग। देखो, मशीनिंग करने से पहले कार्य वस्तु पर रेखाएं अंकित करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब जैसे मान लो ये आपका वेल्डिंग से या कहीं से भी आपने जो ये मशीनिंग करके एक वर्कपीस बनाया, ठीक है, अब आपको उस पर क्या करना है कि उसका जो है, मान लो अगर सर्कुलर वर्कपीस है तो उसका आपको रिक्वायरमेंट क्या है कि डायमीटर को, वो जो हम स्टेप कटिंग करते थे ना, तो डायमीटर कम करना है। अगर ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वर्कपीस है और इसका रिक्वायरमेंट क्या आ गया कि जो भाई इतने सरफेस पे आपको जो है एक्स्ट्रा मशीनिंग की रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर स्क्राइबर आपको लाइन मार्क करनी है। अब लाइन मार्क करने के दो तरीके, या तो आप पेन से भी कर सकते हो, ठीक है, या दूसरा आप स्क्राइबर से करो। तो अगर आप पेन या पेंसिल से यूज करते हो तो क्या केसेस है कि ये जल्दी रब हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मेटल पे जब भी हमें मार्किंग करनी होती है तो हम स्क्राइबर का ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल्दी सेमी परमानेंट काइंड ऑफ है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिटेगा, पर जल्दी नहीं मिटेगा। आप उस पर काम करोगे, फाइलिंग वाइलिंग करोगे तो वो मिट जाएगा वहाँ से, वो लाइन। तो द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ स्क्राइबर इज कॉल्ड स्क्राइबिंग एंड इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मार्किंग आउट। ये मार्किंग का एक प्रोसेस है बस। इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ पेंसिल्स और इंक लाइन्स, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया, बिकॉज स्क्राइब लाइन्स आर थिन। ये लाइन थिन होती हैं और सेमी परमानेंट होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी थिन लाइन्स हैं, ठीक है, तो इसलिए हम स्क्राइबर का यूज करते हैं। इन ले आउट वर्क इट इज़ नेसेसरी टू स्क्राइब लाइन्स टू इंडिकेट द डायमेंशन ऑफ द वर्क पीस। देखो बच्चों, डायमेंशन ऑफ द वर्क पीस, अभी मैंने बताया था ना कि अगर सर्कुलर रोड है और आपको स्टेप कटिंग करनी है, कि जैसे मान लो ये आपको रोड दे दिया है, रिक्वायरमेंट क्या है कि जो इसको आपको कैसे बनाना है, इस टाइप का बनाना है, मतलब यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा और यहाँ पे डायमीटर कम, स्टेप कटिंग करनी है, तो आपको क्या करना होगा कि कितना आपको, इतना जो है ये वाला पोर्शन आपको 20 mm का रखना है और ये वाला पोर्शन आपको 10 mm का रखना है, तो आपको सर्कुलर की क्रॉस सेक्शन एक मार्किंग करनी पड़ेगी ऐसे, तो वहाँ पे डायमेंशन को मेजर करने के लिए मार्किंग की रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए? जब आपको फाइल या मशीनिंग करनी होती है, तो वहाँ पे हम स्क्राइबर का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले, कोई भी टॉपिक पहले कवर करने से पहले सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि हम इसे, ये टूल है क्या और इसका यूज किस लिए करते हैं, तो वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या है, विच टूल इज यूज टू मार्क लाइन्स ऑन वर्क पीस, ठीक है, प्रायर टू मशीनिंग।
अब देखो अभी तो वीडियो के साथ फ्लो बना हुआ है तो आपको आंसर अच्छे से पता चल जाएगा कि भाई स्क्राइबर इसका आंसर है। बट अगर ये क्वेश्चन अचानक से आ जाए तो पहले बात तो ये क्या बोल रहा है कि ये मार्किंग लाइन करने के लिए, मतलब कि मेजरिंग टूल तो है नहीं, मार्किंग टूल होगा। अब ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, डिवाइडर, स्क्राइबर, टर्मिनल पॉइंट और सेंटर पंच, ये सारे क्या हैं आपके मार्किंग टूल्स हो गए। ठीक है, तो अब इनको हम नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन अच्छे से कवर करेंगे। अब देखो स्क्राइबर क्या है ये तो आपको पता है, बट ये जो अदर थ्री ऑप्शंस क्या हैं, ये क्या है आपके मन में डाउट आएगा, तो उसको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो व्हाट आर दी अदर थ्री ऑप्शंस, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या था, डिवाइडर। भाई डिवाइडर क्या है, तो ये भी सबने यूज किया हुआ है कि जब भी आपको सर्कल या आर्क स्क्राइब करना है, मार्क करना है, तो आप डिवाइडर का यूज करते हो। ठीक है, फिर दूसरा ये ट्रेमल पॉइंट, नया नेम है भाई, ये क्या है, तो ये देखो डिवाइडर की भी कुछ लिमिट है कि ये इतने mm तक का ही सर्कुलर आर्क बना सकता है, इससे बड़ा अगर आपको सर्कल बनाना है तो आपको ये ट्रेमल पॉइंट यूज करना है। इसमें जो है आपके दो ये स्क्राइबर्स हैं। ठीक है, थर्ड जो आपका आखिरी ऑप्शन क्या था, सेंटर पंच, ये क्या है, ये तो सबने यूज कर रखा है, वेल्डिंग में तो इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ड्रिलिंग करना होता है जब हमें सेंटर मार्क करना होता है तो भी हम इसका बहुत यूज करते हैं, तो इसका क्या यूज है, लोकेटिंग द सेंटर ऑफ द होल्स, ये देखो। ठीक है, पंच का यूज कर रहा है, तो ये आपका ब्रीफ में हो गया कि बाकी के जो ऑप्शंस क्या थे। अब देखो स्क्राइबर का यूज क्या है, ये हमने डिस्कस कर लिया। स्क्राइबर का जो यूज है ना, वो शीट मेटल वर्किंग में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो अब शीट मेटल वर्किंग में क्या है कि बहुत पतली पतली थिन शीट्स होती हैं, तो वहाँ पे आप इसका जो वर्कर है ना, वो स्क्राइबर का बहुत यूज करता है। वाइल्ड स्क्राइबिंग लाइन्स द स्क्राइबर इज यूज जस्ट लाइक अ पेंसिल, इसको हम पेंसिल की तरह यूज करते हो, देखो। एंड दैट लाइन्स ड्रोन आर क्लोज टू द स्ट्रेट एज, ये स्ट्रेट लाइन्स होती हैं, और इसको शीट मेटल वर्कर के पास ये हमेशा स्क्राइबर होता है, तो इसीलिए कई बार इसको क्या बोल दिया जाता है, शीट मेटल वर्कर्स पेंसिल, ये शीट मेटल वर्कर के लिए लाइक अ पेंसिल, जैसे हमारे लिए नटराज की पेंसिल होती है ना, वैसे शीट मेटल वर्किंग के लिए वर्कर्स के लिए ये जो स्क्राइबर है एज ए पेंसिल की तरह रोल होता है। अगर ध्यान देखो जब हम लोग पेंसिल यूज करते हैं तो उसका जब वो जो सुरमा जो है वो थिक हो जाता है तो राइटिंग खराब आती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको शार्पनर से उसको और ज़्यादा हम उसे शार्प करते हैं। सिमिलरली स्क्राइबर का भी यूज करते करते वो थिक हो जाता है, तो इसे भी कंटिन्यूअस शार्प करने की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज नोन एज शीट मेटल वर्कर्स पेंसिल, तो डिस्कस किया क्या है वो स्क्राइबर। अब देखो स्क्राइबर क्या है, उसका यूज कहाँ कहाँ है वो डिस्कस कर लिया। अब जो किसी भी टूल के लिए जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि वो किस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, तो मटेरियल पता होना हर एक टूल के लिए ज़रूरी है, तो जो स्क्राइबर है वो किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, और जिसको बाद में हम हार्डन कर देते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से। ठीक है, तो स्क्राइबर का मटेरियल क्या हो गया, हाई कार्बन स्टील या हार्डन स्टील। ठीक है, ये देखो ये आपका स्क्राइबर है। ठीक है, ये सारे जो ये जो पार्ट्स हैं ना, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, स्क्राइबर आर मेड फ्रॉम, तो अभी क्या डिस्कस किया, हाई कार्बन स्टील, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, वन। ठीक है, मोस्टली बच्चे हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील में कंफ्यूज होंगे, तो ध्यान रखना स्क्राइबर का जो मटेरियल है वो हाई कार्बन स्टील है। अब देखो हमने यूज डिस्कस कर लिया, मटेरियल डिस्कस कर लिया, अब स्क्राइबर के जो मैंने बोला था ना वहाँ पे पार्ट्स को बस नोटिस कर लो, तो अब हम पार्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्क्राइबर के पार्ट्स, सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है उसका, ये टिप। ठीक है, तो देखो स्क्राइबर टिप जो है एक्चुअली डज द स्क्राइबिंग, सिंपल सी बात है कि स्क्राइबिंग एक्चुअली जो है टिप से ही हो रही है। टिप आर यूजली मेड फ्रॉम आइदर टंगस्टन कार्बाइड, हार्डन स्टील, टूल स्टील और स्टील विद डायमंड टिप, ये जैसे अपना कटिंग टूल भी इन सब मटेरियल का बना होता है, तो ये लाइक ये कटिंग टूल ही है अपने लिए। ठीक है, एक मेटल पे मार्क करना कोई आसान काम नहीं है, तो जो इसका जो मटेरियल है वो भी अच्छा मटेरियल होता है, ये सारे मटेरियल हैं, बट जो मोस्टली यूज मटेरियल है वो जो है अपना ये हार्डन स्टील है। ठीक है, इट इज़ रिप्लेसेबल फॉर सम मॉडल, अभी इस लाइन को बस नोटिस करो कि कुछ मॉडल के लिए ये टिप जो है रिप्लेसेबल भी है, अब वो कैसे हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो फाइनली टेपर्ड एंड फाइन पॉइंट स्क्राइबर टिप विल गिव अ थिनर मोर एक्यूरेट
स्क्राइब लाइन, ठीक है। अब जैसे पेंसिल का भी क्या होता है कि जब सुरमा मोटा हो जाता है तो आप उसको शार्प करते हो, बट जो एक्सेस में अगर वो शार्प हो जाती है तो वो टूट जाता है। सिमिलरली केस स्क्राइबर के साथ भी है कि ये बात सही है कि अगर आप जो हमारा फाइन पॉइंट होगा तो उससे आपको थिन और एक्यूरेट स्क्राइब लाइन मिलेगी, बट अगर वो मोर फाइन हो गया तो इसके टूटने के चांसेस हैं, ठीक है। जैसे कि आप इससे भी एक्सेस में अगर आप पतला कर दो तो ये टूट जाएगा। तो जो ये टिप का जो ये एंगल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि जो ये टिप का जो आपका जो एंगल हो गया, ये एक्यूरेट एंगल जो है जो कितना है 12 से 15 डिग्री। मतलब टिप को आप शार्प करते रहो पर जो मोस्ट फेवरेबल जो टिप एंगल है, पॉइंट एंगल है, वो कितना है 12 से 15 डिग्री। 12 डिग्री से कम मत करो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, फिर वो टूट जाएगा। तो इस पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट एंगल ऑफ स्क्राइबर इज, स्क्राइबर का पॉइंट एंगल क्या है? पॉइंट एंगल वही जो टिप एंगल हमने डिस्कस किया था, तो वो कितना डिस्कस किया हमने, 12 टू 15 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उस नोट्स में इसे नोट डाउन कर लो, ये एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। अब देखो, स्क्राइबर के पार्ट्स में हमने उसका टिप डिस्कस कर लिया, अब दूसरा आता है कि ये जो इसका ये सरफेस बॉडी है वो, ठीक है। अब ये जो इसकी सरफेस बॉडी है ना, वो नर्ल बॉडी होती है, इस पर रिज टाइप होता है। इसे नर्ल बॉडी करने से क्या हो जाता है कि जो इसकी ग्रिपिंग है ना, वो बहुत सही से हो जाती है, क्योंकि कि अगर ये ऐसा फ्लैट होगा ना तो हाथ से इसके फिसलने के चांसेस हैं, तो ये इस पे थोड़ा सा फ्रिक्शन टाइप ये क्रिएट हो जाता है। तो नर्ल बॉडी कर देने से जो है इसकी जो ग्रिपिंग है वो अच्छी हो जाती है। तो नर्ल सरफेस प्रोवाइड द इम्प्रूव ग्रिपिंग एंड प्रिवेंट द स्क्राइबर स्लिपिंग इन यूजर्स हैंड, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या बोला था कि इसका जो टिप है वो रिप्लेसेबल टिप होता है, और ये क्या है, ये चक है। देखो, अगर आपका स्क्राइबर जो है ऐसा होता, डायरेक्ट ये है और फिर उसके बाद ये आपका ये पॉइंट है स्क्राइबर की तरह, ठीक है, तो ये इसके टिप तो स्क्राइबर जो है रिप्लेसेबल नहीं है, बट यहाँ पे एक देखो चक लगा हुआ है। चक के थ्रू क्या है कि एक वो अलग, आपको याद हो जो स्कूल में एक अलग टाइप की पेंसिल्स आती थी जिसमें वो टिप में हम लोग, एक तो पेंसिल नटराज की सिंपल वाली पेंसिल है जिसको कि हम शार्प करते हैं, ठीक है, और दूसरी पेंसिल वो वाली आती थी जिसमें वो सुरमा लगा हुआ होता था, ठीक है। तो आपको एक बॉक्स मिल जाता था जिसमें वो आपके पास काफ़ी सारे सुरमे होते थे, तो आप जैसे ही आपका वो घिस जाता था तो आप नया लगा लेते थे। सिमिलरली इसमें भी है कि आप जो है आपका टिप अगर घिस गया है, अगर आपको नहीं और शार्प नहीं कर सकते, तो आप इस चक के थ्रू से इस टिप को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए कि स्क्राइबर के पूरे पार्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया। ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन भी बस इसका फिनिश्ड है, इस पे अलग अलग डिजाइन्स होते हैं जिनको कि हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने स्क्राइबर है क्या और जो स्क्राइबर किस मटेरियल का बना होता है और उसके सारे पार्ट्स को अच्छे से अब तक डिस्कस कर लिया है। अब देखो बच्चों, जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट आता है, टाइप्स ऑफ स्क्राइबर। वैसे तो स्क्राइबर्स के काफ़ी सारे टाइप्स हैं, बट जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, और इन सारे टाइप्स में से भी जो पहले दो टाइप्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला टाइप क्या है, सिंगल एंडेड प्लेन स्क्राइबर, ठीक है, टाइप नंबर 1। अब इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये नॉर्मल स्क्राइबर जो कि हम यूज करते हैं, इसमें एक पॉइंट जिससे कि आपको स्क्राइब करना है वो फाइन टिप्ड है, ठीक है, और दूसरा नॉर्मल है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में नॉर्मल है। तो ये क्या है, दिस स्क्राइबर इज नोन एंड हैंड स्क्राइबर, ये बहुत कॉमन स्क्राइबर है। पॉइंट इज मेड ऑन वन साइड ओनली, वन साइड पे पॉइंटेड होता है और दूसरा साइड जो है सिंपल है, ठीक है, इसका हम जनरल मार्किंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। ये हो गया टाइप नंबर 1। अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। देखो, टाइप नंबर 2, डबल एंडेड स्क्राइबर। पहला टाइप क्या था, सिंगल एंडेड स्क्राइबर, तो वहाँ पे पॉइंट एंगल जो है वो एक ही साइड में था। डबल एंडेड है तो मतलब दोनों साइड पे पॉइंट हो गए, तो देखो यहाँ पे भी पॉइंट है और यहाँ पे भी पॉइंट है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, दिस स्क्राइबर फीचर अ स्ट्रेट पॉइंट एट वन एंड, ठीक है, एंड कैन हैव वेराइटी ऑफ एंगल, ये ध्यान रखना, वेराइटी ऑफ एंगल पॉइंट एट दी अदर। ये वाला सिंपल ऐसा सीधा नहीं है, ये एक एंगल पे मुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये एंगल कितना भी हो सकता है, मोस्टली ये एंगल जो है अपना 90 डिग्री होता है, ठीक है। द एंगल पॉइंट, अब देखो, अब एंगल दिया है तो वैसे ही तो डिजाइन के लिए तो एंगल देगा नहीं, इसका कुछ पर्पज होगा, तो पर्पज क्या है, द एंगल पॉइंट अलाउज लाइन टू बी मार्क्ड ऑन द वर्क पीस इन कन्फाइंड एरिया, कन्फाइंड एरिया ध्यान रखो, ठीक है। अब मान लो, अज्यूम करो कि ये जो सर्कल पे ये ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, अब ये अगर ये एंगल पे मुड़ा हुआ नहीं होता तो इस वाले टिप से ये कैसे करता,
है ना, तो एंगल पे मुड़ा हुआ है, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे भी हो सकते हैं, तो किसी भी कन्फाइंड एरिया में अगर आपको करना है ना, तो हम इस वाले टिप का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्राइबर है और इसका बहुत ही यूज करते हैं। तो ये जो सिंगल एंडेड और डबल एंडेड स्क्राइबर है, इनको हमेशा ध्यान रखना, इन पे बेस्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टाइप्स हो गए। अब हम कुछ अलग कुछ नए टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। टाइप नंबर 3, नाइफ एज स्क्राइबर, इसका भी काफ़ी यूज होता है। अब नाइफ एज नाम से देखो, सारे स्क्राइबर के टाइप्स उसके नाम से ही मतलब क्लियर हो जाते हैं कि क्या है। अब ये नाइफ एज है, स्क्राइबर है, तो स्क्राइबर है तो भाई एक पॉइंट तो टिप वाला होगा, पॉइंट एंगल वाला, तो ये है। दूसरा क्या है, नाइफ एज, तो मतलब जो इसका दूसरा पोर्शन है ना, वो किसकी तरफ होगा, नाइफ की तरफ। ये नाइफ की तरफ देखो, बिल्कुल शार्प है, ठीक है। तो नाइफ एज स्क्राइबर हैव स्ट्रेट पॉइंट एट वन एंड, जो कि सबके लिए होगा, एंड फ्लैट नाइफ ब्लेड एट द अदर एंड, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 100 mm से 250 mm तक वेरी कर सकती है, ठीक है। नाइफ ब्लेड इज यूज्ड, अब देखो, अब डिजाइन अगेन, ये भी कोई डिजाइन के लिए तो बनाया नहीं होगा, इसका भी कोई पर्पज होगा। तो इसका क्या पर्पज है कि अगर आपको वुड पे, प्लास्टिक पे या अदर सॉफ्ट मटेरियल पे अगर आपको लाइन खींचनी है ना, तो आप इस नाइफ ब्लेड का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ टाइप की तरफ। फोर्थ क्या है, पॉकेट स्क्राइबर, नाम से ही पता है, पॉकेट स्क्राइबर मतलब छोटू स्क्राइबर होगा, ठीक है। तो अब देखो, दीज आर स्मॉल स्क्राइबर अबाउट 100 mm, बहुत ही छोटा होता है, जो कि पॉकेट में आराम से आ जाए, छोटा सा है, ठीक है, आराम से हैंडल हो जाए। दे ऑफन फीचर रिप्लेसेबल टिप, इनके इन जो ये मतलब इनकी क्वालिटी क्या है कि मोस्टली ये रिप्लेसेबल टिप जो है फीचर करते हैं, देते हैं, और जो इनका अदर एंड होता है ना, ये वाला एंड, वो हेक्सागोनल होता है, ठीक है। अब देखो, अगर ये सर्कुलर होता तो क्या चांसेस है कि ये रोलिंग ऑफ हो जाए, सरफेस पे उसको रख दिया, वो घूमता 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 आगे चला गया। तो इसीलिए इसका जो दूसरे वाला टिप है ना, वो हेक्सागोनल बनाते हैं, ताकि वो उसको अगर रख दिया सरफेस पे तो वो वहीं पे रहे, ठीक है, घूमे ना, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, लास्ट वाले में मैंने बोला था आपको कि चक की हेल्प से जो हम टिप को रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखो, ये नया टिप इसने लगा दिया, ये अपना चक वाला पोर्शन था, ठीक है, ये नल सरफेस है, और ये चक में इसने जो है नया टिप लगा दिया, ठीक है। तो ये जो इसका एक फीचर क्या है कि ये रिप्लेसेबल टिप, तो रिप्लेसेबल टिप वाली भी स्टोरी क्लियर होगी कि कैसे हम रिप्लेस करते हैं, वो आपको पिक्चर क्लियर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी स्क्राइबर के टाइप की तरफ। अब देखो, टाइप नंबर 5th जो है टाइप क्या है, मशीनिस्ट स्क्राइबर, ठीक है, मशीन चालक के स्क्राइबर। अब ये क्या है, ये पॉकेट स्क्राइबर की तरह ही है बिल्कुल, बट इनका क्या है कि ये थोड़े से उनसे लंबे होंगे, वो 100 mm का था, तो ये 150 से 200 mm जितना लंबा होगा, ठीक है। और इनमें दे ऑफन हैव क्लिप, उन ये क्लिप, ये समझ लो एकदम पेन हो गया अपना, ठीक है, पेन की तरह है। अब इसका क्लिप प्रोवाइड करने का क्या है कि आसानी से ये ग्रिपिंग हो जाए, ठीक है। टू सिक्योर देम ऑन टू जैकेट पॉकेट एंड प्रिवेंट देम रोलिंग ऑफ दी वर्क सर्फेस, ठीक है। क्लिप से आप पॉकेट में भी आराम से रख सकते हो, और अगर आपने किसी सतह पर रख दिया तो उससे भी ये उसको रोल करने से रोकेगा, तो आराम से ये रखा रहेगा, ठीक है। तो हमने 5 जो है टाइप्स पढ़ लिए, जिसमें से जो पहले सिंगल एंडेड और डबल एंडेड था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तीसरा इंपॉर्टेंट अपना नाइफ एज था, और फिर चौथा पांचवा पॉकेट स्क्राइबर और मशीनिस्ट स्क्राइबर है, ठीक है। इनमें खाली हमारे लेंथ का फर्क है, बाकी दोनों स्क्राइबर जो है ये लास्ट वाले दोनों सेम ही है। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नेम ऑफ द स्क्राइबर शोन इन गिवन फिगर ए एंड बी, ये ए और बी में देखो स्क्राइबर है, इसका नाम बताना है, ठीक है। तो अब देखो, ऑप्शंस को देखो, सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, एक तो आपका सिंगल एंडेड स्क्राइबर है, सेकंड जो है डबल एंडेड स्क्राइबर है, और एक थर्ड है नाइफ एज स्क्राइबर है, ठीक है। ये तीन ऑप्शन को घुमा फिरा के पूछा गया है। अब देखो, हमने डिस्कस कर ही लिया था कि इसमें केवल एक ही पॉइंट एंगल है, तो ये कौन सा स्क्राइबर हो गया, आपका सिंगल एंडेड स्क्राइबर है, ठीक है। इसमें आपके दो पॉइंट एंगल है, तो ये कौन सा स्क्राइबर हो गया, डबल एंडेड, और किसी में एज नाइफ वाला है नहीं, तो नाइफ एज स्क्राइबर तो यहाँ है ही नहीं। तो आपके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया कि जो ए है वो क्या है, सिंगल एंडेड स्क्राइबर, और जो बी है वो क्या है, डबल एंडेड स्क्राइबर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखो बच्चों, स्क्राइबर के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमने आराम आराम से डिस्कस कर लिए, ठीक है।
कभी भी कोई भी आप हैंड टूल लेना, मार्किंग टूल लेना, कटिंग टूल लेना, कुछ भी लेना, उसका पर्पज़ क्या है, वो क्यों करते हैं यूज में, उसका मटेरियल क्या है, उसका कुछ स्पेसिफिकेशन है, जैसे इसमें पॉइंट एंगल हो गया था तो वो पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए, और डिफरेंट उसके जो मेन टाइप्स हैं, ये हमेशा आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अब कुछ कॉमन टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं कि स्क्राइबर है तो स्क्राइबर को यूज करते टाइम हमें क्या सेफ्टी यूज करनी चाहिए, ठीक है। अब स्क्राइबर है तो इसके जितने भी एंड होंगे वो पॉइंट एंड होंगे, ठीक है, और वो मेटल का है तो उसके चुभने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कभी भी इसे, देयरफॉर डू नॉट पुट द प्लेन स्क्राइबर इन यूर पॉकेट, कभी भी डायरेक्टली इसको पॉकेट में मत रखो, ठीक है। वर्कशॉप में तो वो ऐसे यहाँ पे रखा रहता है एक स्टैंड पे, ठीक है, और अगर आप उसको पॉकेट में आपको रखना है, जैसे कि ये मशीनिस्ट वाला स्क्राइबर हो गया या पॉकेट स्क्राइबर हो गया, तो उसको एक कोर्क की हेल्प से उसके जो टिप को है वो सिक्योर कर लो, फिर रखो। प्लेस अ कोर्क ऑन द पॉइंट व्हेन नॉट इन यूज टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, ठीक है, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ये कोर्क, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब कि जो उसका टिप है वो डायरेक्टली आपके बॉडी के कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप जो है चोट लगने के चांसेस हैं। अब देखो, इतने टाइम से स्क्राइबर कर रहे हैं, अब सबसे मेन कि अब उसको यूज कैसे करें, ठीक है। अब जैसे सिमिलरली ये वाला ले लो, ठीक है, अब ये यहाँ पे वर्कपीस है, अगर आप स्क्राइबर को स्ट्रेट रखोगे, किससे, वर्कपीस से टच करता हुआ, यहाँ से टच करता हुआ, तो देखो वर्कपीस तो अपना यहाँ पे है, ठीक है, लाइन अपन को खींचनी है यहाँ पे, और लाइन खींच कहाँ पे रही है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये एरर है, ये इनकरेक्ट है। तो जब भी स्क्राइबर को आप यूज करोगे तो जो भी अपना वर्कपीस है ना उससे टच करते हुए आप लाइन खींचोगे, तो मतलब जो आपका स्क्राइबर हो गया ना वो एक एंगल पे होगा, थीटा एंगल पे, ठीक है। तो स्क्राइबर मस्ट बी हेल्ड एट एन एंगल, एक एंगल पे उसको मस्ट मतलब होना ही चाहिए, इंक्लाइन टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट जहाँ पे डायरेक्शन आपका मूवमेंट हो रहा है ना उस डायरेक्शन में इंक्लाइंड होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, अब ये देखो, ये इस वर्क पीस पे इस ट्राई स्क्वायर की हेल्प से एक लाइन खींच रहा है, ठीक है। अब इसका मूवमेंट कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, तो जो आपका स्क्राइबर जो है वो इंक्लाइंड किधर है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली ये देखो, ये किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो जो इसका स्क्राइबर जो है वर्कपीस को ये टच करता हुआ किधर की तरफ इंक्लाइंड है, इधर की तरफ इंक्लाइंड है। सिमिलरली ये देखो, ये वर्कपीस पे एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा है, ठीक है। अब ये किधर की तरफ इसका मूवमेंट है, इसका मूवमेंट इधर की तरफ है, ठीक है। तो क्या हमने पढ़ा कि दिस शुड बी इंक्लाइंड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट एंड मूव अलोंग द रूल, ये जो आपका स्टील रूल है ना या ट्राई स्क्वायर हो गया उसी के अलोंग मूव करना है और कहीं मूव नहीं करना। यूजिंग अ फॉर्म एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर, आपको देखो क्यों, क्योंकि आप एक मेटल पे लाइन खींच रहे हो तो एक कॉन्स्टेंट प्रेशर की, पेंसिल जितना आसानी से नहीं खींच जाएगा, आपको एक कॉन्स्टेंट प्रेशर लगाना है, पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाओगे कि टिप भी टूट जाए, ठीक है। तो एक फॉर्म और कॉन्स्टेंट प्रेशर लगाओगे, और जो स्क्राइबर का टिप है इट शुड बी शार्प, ठीक है। तो जितना भी अब तक हमने स्क्राइबर के बारे में सारी चीज़ें आराम से डिस्कस कर लिया है, इससे रिलेटेड हमने सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो 5 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। इसमें जो है इसके रिलेटेड अगर आपको क्विज लगाना है या किसी अदर टॉपिक्स पे भी क्विज लगाना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप हमारे क्विज पेज पे जाएंगे और वहाँ से आप अदर और टॉपिक्स के भी क्विज लगा पाएंगे। बच्चों देखो, फिटर ट्रेड के लिए ये हमने अब तक 6 वीडियो कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ से हमने मार्किंग टूल में हमने एंट्री ली थी, मार्किंग मीडिया, मार्किंग टूल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट मार्किंग टूल था और अब हमारा ये सेकंड मार्किंग टूल है। नेक्स्ट हम ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो प्रोवाइड करेंगे, क्विज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो अदर ट्रेड्स के बच्चे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये सारे आपके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो अभी हम कॉमन टॉपिक ही ले रहे हैं इसी वजह से, तो आप भी क्विज लगाइए और ये वीडियो देखिए, और अगर कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का टॉपिक से रिलेटेड या अदर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जो टेस्टबुक की टीम है आपको पक्का रिप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको सीखने में मदद मिली तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, टेस्टबुक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।